नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। छुट्टियां आने वाली हैं, नया साल भी आपके सामने है। निश्चित तौर से छुट्टियों में कहीं न कहीं जाने और किसी न किसी डेस्टिनेशन पर नया साल मनाने का आपने प्लान किया होगा, पर आपको यह पता चल गया होगा कि इन दिनों सिविल एविएशन में कितनी दिक्कतें हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको कितना समय जाया करना पड़ेगा और अब 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर चेक इन करना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में और महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर इतना जमावड़ा होने लगा है। इसके लिए कौन दोषी है या क्या ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ है? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एयरलाइंस की कार्यविधि से। एयरलाइंस की कार्यविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ ज्यादा लोगों ने यात्राएं जरूर शुरू की हैं, परंतु अभी देखा जाए तो 4,28,000 लोगों ने एक दिन में यात्रा की है, जबकि 4,20,000 लोगों की यात्राएं पहले भी करा चुकी हैं। वह समय था कोरोना काल का। इस समस्या के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि भारत सरकार की ओर से प्रतिदिन 3200 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी जा चुकी है। अभी फिलहाल हमारी सारी एयरलाइंस मिलकर केवल 2800 का संचालन कर रही हैं, यानी 400 और संचालन बढ़ जाए तो आप सोचिए कि हालत क्या होगा। फिलहाल तो आलम यह है कि पिछले 10 दिनों में हवाई यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या बनी हुई है। देश में घरेलू दैनिक यात्री पिछले 10 दिनों से 4,00,000 से अधिक निकल रहे हैं। 11 दिसंबर को 4,28,000 घरेलू यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। इससे पहले शीर्ष संख्या 4,20,000 यात्रियों की थी, जिसे मार्च 2020 में कोरोना के प्रभाव से पहले देखा गया था। हालांकि वर्ष के अधिकांश दिनों में यात्रियों की संख्या 3,50,000 से 3,75,000 के बीच होती है। माना जा रहा है कि हवाई यात्रा की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में हवाई अड्डे, एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियां सक्षम नहीं है, जिसके चलते प्रवेश द्वारों, एयरलाइन चेक इन काउंटरों और सुरक्षा चेक इन गेटों पर अराजकता मची हुई है। नतीजा यह है कि अनेक यात्रियों की उड़ानें मिस होने की शिकायतें आम है। स्थिति की भयावहता को इसी से समझा सकने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं दिल्ली एयरपोर्ट पर गए और उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को संचालित करने वाली सारी एजेंसियों के साथ बैठक भी की। कुछ नियम और कुछ बदलाव भी उन्होंने सुझाए हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर रिलायंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हवाई अड्डों पर उनके काउंटर पर हमेशा कर्मचारी मौजूद रहें। आदेश के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ हवाई अड्डों पर रिलायंस चेक इन काउंटर सुबह के समय स्टाफ होता ही नहीं है या अपर्याप्त स्टाफ होता है, जिससे भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। एयरलाइंस से कहा गया कि संबंधित हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर प्रतीक्षा समय के संबंध में अपनी सोशल मीडिया फीड पर रियल टाइम का डेटा रख। देश के 4 प्रमुख मेट्रो हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से यात्रियों की संख्या चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में बढ़कर 8.71 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले साल यह संख्या 3.95 करोड़ ही थी। दिल्ली में 3 टर्मिनल हैं और तीनों बहुत व्यस्त रहते हैं और इन सभी टर्मिनलों से 1,90,000 लोग रोज यात्रा करते हैं और 1,200 उड़ानें आती और जाती हैं। 21 दिसंबर 2018 को दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक एक दिन की यात्री संख्या 1,56,329 थी। महामारी के कारण हुई सुस्ती के बाद हवाई यात्रा में वापसी हुई है, लेकिन भारत के घाटे में चल रहे कई हवाई अड्डे खराब कैपेसिटी योजना और अन्य वजहों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 102 हवाई अड्डों ने 3,855.75 करोड़ रुपए के घाटे की सूचना दी, जबकि केवल 4 हवाई अड्डों ने 8.4 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। कुछ जानकारों का कहना कि देश के हवाई अड्डे पश्चिमी मॉडल पर बनाए गए और वो भारतीय परिस्थितियों के लिए उचित नहीं है। जरूरत है हवाई अड्डों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किए जाने की। कुछ लोगों का यह भी कहना है हवाई अड्डों का निर्माण करते समय एडवांस प्लानिंग की अनदेखी की गई। एडवांस प्लानिंग किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि मैं देखना चाहता हूं हवाई चप्पल पहना हुआ आदमी हवाई यात्राएं कर रहा हो। अगर नरेंद्र मोदी के सपने को साकार होना है तो निश्चित तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने होंगे, चेक इन के टाइम को और प्रोसेस को बदलना होगा, एयरलाइंस को इफिशियंट बनाना होगा और एयरलाइंस के साथ साथ हवाई अड्डों की रखरखाव करने वाली एजेंसियों को भी बहुत कुछ स्मार्ट बनाना होगा। देखना है सरकार ये सब करने में कितना समय लेती है
और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोग कब तक इस तरह भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए